आज मैं आम का अचार बनाने जा रही हूँ बिल्कुल गांव के तरीके से। इस अचार को खाकर बिल्कुल आपके माँ के हाथों के स्वाद याद आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। इस तरीके से अचार बनाएंगे तो आपके अचार कभी भी ख़राब नहीं होंगे और सालों साल चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए इसको बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कविता और गुप्ता क्रिएटिव रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर लें। आम का अचार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो आम लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और जो ऊपर के निकला हुआ है डंठल इसको हम सभी को काट लेंगे, नहीं तो फिर ये कड़वा भी लगने लगता है। तो सभी को हमने काट लिया है इस तरह से। सभी आम को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है और इसको काटना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसका जो गुठली है काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो मैंने इस हसुआ से काटा है, अगर आपके पास है तो काटिए, नहीं तो आम वाले भैया से भी आप कटवा सकते हैं। अब हम आम को 2-3 घंटे के लिए धूप में सुखा देंगे। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड, तभी हमारा अचार सालों साल चलेगा। अगर आपके पास धूप की सुविधा नहीं है तो पंखे के नीचे भी रात भर रख सकते हैं। इसके साथ ही हम सभी मसालों को भी धूप में रख देंगे सूखने के लिए, क्योंकि मम्मी लोग जब भी अचार बनाती हैं तो धूप में सुखा के डालती हैं। मसाले में डालने के लिए यहाँ पर मैंने काला वाला सरसों लिया है, ये 100 ग्राम है, और 50 ग्राम मैंने जीरा लिया है, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। धनिया हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच राई लिया है, ये थोड़ा खट्टा होता है और साइज़ में छोटा भी होता है, आप चाहे तो दोनों आधा आधा भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच मेथी लिया है, इसको भी डाल देंगे। अब इसमें हम सौंफ डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। 8 से 10 लाल मिर्च लिया है, इसको भी डाल लेते हैं साथ में सूखने के लिए। तब हम सभी मसालों को धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। आम हमारा बहुत ही अच्छे सूख गया है। 2-3 घंटा आम को सुखाने के लिए काफ़ी होता है क्योंकि धूप में काफ़ी तेज़ हो रहा है। तो इसमें मैं 2 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ और 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। हल्दी और नमक मिलाकर हम इसको रात भर रख देंगे ताकि जितना पानी छोड़ना होगा छोड़ देगा। मसाले को अच्छे से मिला लिया है, तब हम साफ कपड़ा ले लेंगे और इसको हम ढक कर रख देंगे बिल्कुल इसको रात भर के लिए। तो अच्छे से बांध देंगे ताकि इसमें हवा भी लगती रहे, ज़्यादा मोटा नहीं लेना है। मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं, तो आप देख सकते हैं मिर्च कितना अच्छे से टूट रहा है। अब हम इसको मिक्सी जार में डाल के पीस ले रहे हैं। आप चाहे तो सभी मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए रोस्टिंग भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं भूनना है। मसाले को मैंने पीस लिया है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा मसाला बिल्कुल दरदरा है। अचार में इसी तरह से मसाला डालते हैं। आम को ऊपर नीचे करके अच्छे से हिला लेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें पानी जैसा दिख रहा है। नमक डालने से थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, तब हम इसको बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि सभी मसाले को अच्छे से मिला सके। अब इसमें हम अजवाइन डाल देंगे, तो ये 2 बड़े चम्मच लिया है मैंने। 2 चम्मच कलौंजी डाल देंगे, इसे मंगरेला भी बोलते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे क्योंकि हमने पहले भी डाल रखा है इसमें। 1/4 हींग डाल देंगे, अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अचार में कलर लाने के लिए यहाँ पे मैं 4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ, इससे बहुत ही प्यारा कलर आता है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, तो ये लगभग मैंने 300 ग्राम तेल लिया है और कम पड़ेगा तो और भी हम ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है तेल को, अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। अब इसमें मैं 1.5 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ क्योंकि पहले भी मैंने नमक डाला है, तो ध्यान से ही डालें। अब इसमें हम बाकी के मसाला डाल लेते हैं जो अभी हमने तैयार किया था। सभी मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। तो देखिए मसाले भी कितने अच्छे से मिल चुका है, तो अब हम इसके ऊपर तेल डाल लेते हैं जो हमने गरम किया है। ये ज़्यादा गरम नहीं है, हाथ से टच करने पर हम इसको छू सकते हैं। ये तेल हल्का गुनगुना है, तो बिल्कुल आप इसी तरह से डालें। अब हम अचार को अच्छे से मिला लेते हैं। सभी मसाले को अच्छे से मिला लिया है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा आम का अचार बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसको एक डब्बे में रख देते हैं, आप चाहे तो कांच के बर्तन में रखें या प्लास्टिक के भी डब्बे में रख सकते हैं। सभी अचार को मैंने डब्बे में रख दिया है, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों एक बात का आप ध्यान जरूर रखें, जब भी आप अचार निकालें तो बिल्कुल सूखा चम्मच लें, हो सके तो अचार के डब्बे को कुछ दिनों तक धूप दिखाते रहें और ऊपर नीचे करके घुमाते रहेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आम का अचार लगाएंगे तो कभी भी अचार ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर लें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कैसी बनी हुई मेरी आम का अचार। और पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो साइड में छोटी सी घंटी है उसको भी प्रेस करके ऑल कर लें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।